बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं गाड़ी पे बैठकर अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं आई थी, पापा चले गए थे ना, तो उसके बाद मैं आई थी। मैंने बताया था ना कितने से इंजेक्शन, तो अभी इंजेक्शन मेरे यहाँ पर लग गया है। और मैं साड़ी इसलिए इतना रेडी हो गई थी, मैंने कहा कि इस साड़ी में ना उस दिन वीडियोज़ नहीं बन पाई थी अच्छे से, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियोज़ भी बना लाएंगे, क्योंकि हम लोग टाउनशिप में, इधर ही हमारा हॉस्पिटल है, तो इधर ही आते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हो गया है 11:04 हो गया है, और अब हम ये बनाएंगे थोड़ी सी वीडियोस। देखो इधर ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना यहाँ पर, और उसके बाद जाएंगे घर पे। इनकी बी शिफ्ट है, तो ये फिर 12 बजे तरफ निकल जाएंगे ड्यूटी पे। और वैसे तो वीडियोस काफ़ी सारी बना ली थी मैंने, और कुछ रह गई थी, मतलब थोड़ा सा बाहर ना अच्छे से नहीं आ पाया था, बस एक वीडियो थोड़ा बाहर गई थी, तो उस वजह से मैंने सोचा कि अच्छे से एक दो वीडियो और बना लूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पर एक पार्क है जी, ये टाउनशिप में ही है यहाँ पे, सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो। और मैं सुंदर लग रही हूँ, फिल्टर लगा के ज़्यादा ही सुंदर लगने लगते हैं। मैं ना फिल्टर लगा के इसलिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि विदाउट फिल्टर में आवाज़ ज़्यादा आती नहीं है, क्लियर नहीं आती है इस जैसा इसमें आती है ना, तो इस वजह से। सो चलो मैं वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आज वीडियो शूट करने के लिए। तो ये है यहाँ नरोरा का सृष्टि वन, जो लोग नरोरा में रहते हैं ना वो लोग आए भी होंगे यहाँ पे। अच्छा, हेलो एवरीवन। सो अभी हम ना तीनों सो के उठे हैं, और आज सच बता रही हूँ, मतलब महीनों बाद, कम से कम साल हो गई होगी, महीनों बाद मैं दिन में सोई हूँ। और सच में ऐसा नशा हो गया था ना, लो बैठो, तुम बैठो बस। सच में सोने के बाद ऐसा नशा हो गया था ना, आज बहुत टाइम बाद मैंने आँख लगी मेरी दिन में, और ऐसा नशा हो गया था, आँख खुल के नहीं दे रही थी। ये 12:30 पे गए थे, 12:20 पे गए थे, उसके बाद 1 बजे तक मैं सो गई थी, और अभी 4:30 हो गया, अभी आँख खुल गई है थोड़ी देर पहले ही। लाइट चली गई थी ना, पता नहीं क्यों चली गई है लाइट। अंशी मारना नहीं, देखो देवांश को पानी भर के दिया, उसने फेंक दिया। अंशी सुबह से अभी सो के उठी हूँ। आज मैंने डांस की वीडियो बनाई ना एक किचन में, वो सबको बहुत पसंद आई। सच में यार मेरे को ना डांस आता नहीं है, पता नहीं आता है या मैं थोड़ा शर्माती हूँ वो भी है, क्योंकि कभी डांस ऐसे किया नहीं है, क्योंकि मेरे पापा को ना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो हमने कभी ऐसे डांस किया ही नहीं। पापा को और जो मेरे चाचा ताऊ के भैया भैया है ना, उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम लोग ऐसे लड़कियाँ कोई डांस करें ऐसे। और अभी थोड़ा मैं देखती हूँ ना, सब लोग ऐसे वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर मेरा भी मन कर रहा था बनाने का। सो अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पांस देख के उस उन वीडियोस पे, तो मैं दिखाती हूँ कि हमारी अंशी कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल गुड़िया लग रही है ना। ये ना बार बार मेरी लिपस्टिक लेके आ रही थी। देखा, सीधे हो, सीधी खड़ी हो। गंदी लग रही है अंजी। फेल हो गई क्या तुम्हारी चैन? चैन पूछो मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पापा जी ने अंशी का मेकअप सारा छुटा दिया है ऑयल से, कोकोनट ऑयल। हाँ मेकअप कर ले, पापा ने मेकअप कर दी अंशी की है ना। वो अपनी आंख बंद कर रहे हैं। देखो देव तुम्हें आग बंद करना आ गया। मेरी रानी बेटी है तो तुम बेटा तो पिटने के से काम कर दो, घर में कोई भी शरारती बच्चा रह जाए ना कोई भी सही। कैसी मम्मा? वाह कैसी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। प्यार कर दो पापा को, प्यार कर दो पापा। थैंक यू। देख क्या कर रहा है, गिर जाएगा। वेलकम।
ये भी थैंक यू। वाह अंशी सुंदर लग रही है। हेलो एवरीवन, सो टाइम देख रहे हो, अभी आप 12:30 बज गया है और मैं सोने ही जा रही थी, दोनों बच्चे सो गए हैं, मैं भी सोने जा रही थी। सुबह इनकी ड्यूटी है, 3:30 पे उठना है मेरे को। अभी 10 बजे आए थे और रोटी नहीं खाई थी इन्होंने, दाल रखी हुई थी, सुबह बनाई थी ना मैंने तो दाल रखी थी, इन्होंने बोला चावल बना दे, क्योंकि शाम को वहाँ पर ना प्लांट में इन्होंने नाश्ता किया था तो बोले थे इडली वगैरह खा ली थी, ज़्यादा भूख नहीं है, हल्की भूख है, तो मैंने रोटी तो नहीं डाली थी, दाल रखी थी, चावल बना दिए थे, चावल ही मैंने खा लिए थे और फिर दूध पी लिया था इन्होंने और मैंने भी दूध पी लिया। सो अभी मैं ऐसे थोड़ा सा अपने काम वाम देख रही थी, मैं जो व्लॉग मैंने अपलोड करा था ना वो उसमें पता नहीं क्या ग्लिच आ गया था तो वो मैंने फिर प्राइवेट कर दिया, अब सुबह मॉर्निंग में मैं व्लॉग डालूँगी और बस फिर सुबह उठना है, वही यार डेली रूटीन चलता रहता है। फिर 12:40 हो गया है, चलो मिलते हैं सुबह, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो अभी शाम हो गई है और 7 बज गए, अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कल है तीज तो उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने, मैं जा नहीं पाई थी, इनकी वैसे भी ड्यूटी होती है, इनके बिना तो मैं जाती नहीं हूँ मार्केट वगैरह, सो अब जा रही हूँ मैं इनके साथ मार्केट और लेके आती हूँ सासू माँ के लिए साड़ी वगैरह और थोड़ा श्रृंगार वगैरह का कुछ सामान। देखती हूँ अगर पार्लर से मैं मेहंदी लगवा के एक हाथ में आ गई तो, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा, मैं बोल रही थी बच्चों को लेके आप आ जाना बस थोड़ी देर, आधा एक घंटा देखती हूँ, अगर आधा घंटा 10-15 मिनट लगे तो फिर ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगा तो फिर नहीं करवाऊँगी। सो चलो चलते हैं मार्केट में, थोड़ा सा कुछ लेके आते हैं फिर बाद में दिखाती हूँ मैं आके आप लोगों को क्या क्या लेके आए हैं। ओए चलो जी घर चलो, चल पेमेंट कर, कितना हुआ जी। सो हम लोग अभी आ गए हैं और सच में बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, हद से ज्यादा, और हम लोग कितने बजे गए थे, 6:30 पे गए थे या 7 बज गया था, शायद 7 बज गया था और 9 बजने जा रहे हैं, तो अब हम लोग वापस आए हैं और मम्मी के लिए साड़ी लेके आई हूँ, श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ, मुझे अपने लिए तो कुछ लेना नहीं था, मेरा सब कुछ रेडी होके रखा है, बस मुझे ना कुछ थोड़ा सा श्रृंगार का सिंदूर लेना था, मेरा जो सिंदूर मैं चढ़ाती हूँ ना माता रानी को तो वो मतलब नया ही लेती हूँ उस वजह से, क्योंकि जूठा सिंदूर नहीं चढ़ाते ना, तो कुछ चीज़ें मेरे को अपने लिए लेनी थी और सासू माँ के लिए लेनी थी, तो वो मैं सब शॉपिंग करके आ गई हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी थोड़ा सा ना सब्जी बनी हुई रखी है, इनके लिए मैं रोटी डाल देती हूँ तो फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सुबह इनकी ए शिफ्ट भी है और कल पूजा वगैरह सब कुछ मुझे अपने आप करना, रात को ही मुझे सारी साफ़ सफाई करके सोनी पड़ेगी, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, 3:30 पे वैसे भी इनके लिए उठना पड़ेगा, फिर मैं शायद ही सोऊँ क्योंकि फिर बच्चे जग जाते हैं ना तो फिर वो कुछ नहीं करने देते, पता ही आप लोगों को, तो चलो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी सब सो गए हैं, तीनों लोग सो गए हैं, बच्चे भी सो गए हैं और फौजी साहब भी सो गए हैं और टाइम हो गया है अभी 11:30 हो गया है, मैं नहीं सोई हूँ, सच बताने इतनी थकान हो रही है ना, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मेरी आँख लग भी गई थी पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार नहीं सोती हूँ क्योंकि कल तीज है और पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, मैं देखो आपको दिखाती हूँ, इधर देखो दिख रहा है आपको, कुछ कहीं पड़ा कुछ कहीं पे पड़ा हुआ है, तो पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल इतना एनर्जी नहीं है कि मैं कुछ अपने लिए बना सकूं खाऊं, रोटी ये बाहर से लेके आए थे मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मार्केट में टाइम लग गया, 9 बज गया था तो इन्होंने बोला था कि, मेरे को वैसे भी भूख भी नहीं लग रही थी, मेरा मन नहीं था, बहुत ज़्यादा ऐसे वीकनेस लगती है कभी कभी पता है, बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, तो अभी बच्चों को सुला दिया है, 11:30 बजे सोए, बहुत लेट सोते हैं पता है आजकल बच्चे पता नहीं क्यों, सो बस अभी सुला के आई हूँ और किचन में बर्तन पड़े हुए हैं दोपहर से नहीं धुले बर्तन, तो किचन में बर्तन पड़े हुए क्योंकि दोनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा तंग कर लेते हैं सच में, जो वो लोग बोलते हैं ना अच्छा है आपके दोनों एक साथ पल जाएंगे, अच्छा तो है पर कैसे पल रहे हैं ना, ये हमें एक एक दिन एक एक पल समझ में आ रहा है, हमारे ऊपर बीत रही है ना ये, तो बहुत ज़्यादा दुखी कर लेते हैं कसम से यार बहुत ज़्यादा, और अंशी तो
भगवान बचाए ऐसे बच्चों से, सच बता रही हूँ मैं, इतनी शैतान है ना, इतनी ज़्यादा। कुछ लोग मुझसे ये बोलते हैं ना कि दी अंशी को हमारे पास छोड़ जाओ, हम रख लेंगे, बहुत चुलबुली है, बहुत अच्छी लगती है, क्यूट सी है। तो आपको ये दूर से देखने में क्यूट लगती है, और ये इसकी हरकतें हैं भी वैसे क्यूटनेस वाली, मतलब हैं, प्यार आता है उसकी हरकतों पर। पर जब 24 घंटे ना, मतलब वो बस देखती है, तकती रहती है कि क्या चीज़ मैं बिगाड़ूँ। और मैं तो ये कुर्सी कहीं भी होगी ना, कुर्सी को उस पर ले जाके, और अब तो वो हमने मूड़ा ले लिया है ना, मूड़ा छोटा वाला, अब तो उसको ले जाके कहीं भी पटक देती है, उस पर खड़े होके फिर अलमारी की अलमारी पे चढ़ के उसके ऊपर से उतार लेती है। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो यार, दो बच्चे हैं, दोनों में कभी तो ध्यान हट जाता है, कुछ चीज़ नीचे भी छूट जाती है। इसको बस ये मौका देखती है, बस कब इसको मौका मिले और ये चौका मार जाए। बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है, ये भी परेशान रहती है, तो बोल दे तू कैसे संभालती है मेरे बाद दोनों को। पर वही है कि आज बिल्कुल ही सच में बहुत ज़्यादा वीकनेस ही लग रही थी, मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। पर फिर अभी मैंने सोचा कि चलो करती हूँ काम, किचन में काफ़ी सारे बर्तन पड़े हुए, पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। ये धुले हुए कपड़े भी इधर रखे हुए थे ना, मैं सोच रही हूँ इनको लगाऊँ किचन में, किचन को। सो अभी किचन को साफ़ करने, किचन में बर्तन साफ़ करने, गैस वगैरह साफ़ करके रख दूँगी मैं। और सुबह तो तीज है, तो तीज कल सुबह भी, वैसे भी इनकी ये शिफ्ट है तो मुझे 3:30 बजे जगना पड़ेगा, इनके लिए थोड़ा खाना वाना बनाना पड़ेगा। और अभी ना मैं फ्रिज देखती हूँ यार, साफ़ करूँ या नहीं, आज फ्रिज नहीं करूँगी, किचन साफ़ कर दूँ, क्योंकि फ्रिज ना अभी बीच में एक दिन बंद हो गया था तो उसमें ना स्मेल आ गई, और वो स्मेल अब धुलने के बाद ही जाएगी। पता नहीं गलती से रात भर पूरा दिन और पूरी रात बंद रहा, तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया, उसके बाद ना स्मेल आ गई, क्योंकि मलाई रखते हैं ना, मैं मलाई निकालती हूँ तो मलाई रखते, तो स्मेल सी आ गई, तो वो स्मेल जा ही नहीं रही, अब उसको धुलने के बाद ही वो जाएगी शायद। तो चलो पहले ना मैं अपने बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद लेट नहीं करती, मुझे मेहंदी भी लगानी है, बच्चे सो रहे हैं और पता नहीं कब कौन सा जग जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को। ये देखो इधर सामान भी लेके आई हूँ मैं, जो भी लेके आई हूँ ना, तो मैंने इधर रख दिया है, तो पहले मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं आप लोग को सामान। फाइनली 12:30 हो गया है और काम मेरा हो गया है, बस अब मैं ना अपने मेहंदी लगा लूँ। 12:30 हो गया, बहुत थकान हो गई, मन तो नहीं कर रहा लगाने का, पर मन नहीं कर रहा लगाने का, पता नहीं क्यों, फिर भी मैं सोच रही हूँ लगा लेती हूँ। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या सामान लेके आई थी मार्केट से। इसमें तो सारा श्रृंगार का सामान है, सबसे पहले दिखाती हूँ जो मैं अपनी सासू माँ के लिए लेकर आया हूँ ना, ये है वो साड़ी जो कि मैं अपनी प्यारी सी सासू माँ के लिए लेकर आई हूँ। खोलूँगी नहीं, जब सासू माँ पहनेंगी ना तब मैं वीडियो बनाऊँगी उनके साथ। तो ये है साड़ी मेरी सासू माँ के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे एक ही नज़र में ना बहुत पसंद आ गई। तो देखो ये इसका कैटलॉग है, आप लोग देख सकते हो इसको, बहुत प्यारी साड़ी लगी मेरे को ये। तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन लूँगी, मम्मी को कैसी लगी ये साड़ी। अभी जब भैया दूज सॉरी रक्षाबंधन पे जाऊँगी ना, तब दूंगी जाकर मम्मी को। और इसमें तो ना मेरे ब्लाउज हैं सारे, ये देखो इतने सारे ब्लाउज मैंने स्टिच करवाए हैं अभी, ये मेरी सारी कोलेब्रेशन की साड़ियाँ हैं। तो देखो सबसे पहले ये साड़ी है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, तो इसकी वीडियोज़ भी मैं बनाऊँगी जल्दी। और उसके बाद एक ये साड़ी है, ये भी बहुत अच्छी, मतलब ये भी ना बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। उस टाइप की साड़ियाँ ना बहुत, मतलब जो लोग ससुराल वगैरह में प्रॉपर रहते हैं ना डेली के बेसिस पे, बहुत अच्छी साड़ी है ये। तो इसकी वीडियोस भी ना आपको मेरी इंस्टा पर देखने को मिलेंगी जल्दी, अभी तो नहीं। और ये इनके ब्लाउज हैं, ये देखो नीचे वाली का, ये इसका है, और इसका ब्लाउज दिखाती हूँ मैं। ये है ये जो आलिया भट्ट ने अभी पहनी थी ना, वो कौन सा सॉन्ग था वो, आलिया भट्ट का जो भी गाना आया है ना, अरे आलिया भट्ट की जो भी मूवी आई है झुमका झुमका वाला, ये उस नाम से फेमस है ना, तो ये वो साड़ी है। ये साड़ी भी अच्छी है, इसका जो कपड़ा है ना बहुत अच्छा है ये। तो इसमें भी रील्स मेरी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी इन सब साड़ियों में।
और बहुत सारी साड़ियाँ मेरी अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो ये ना इस कलर की मैं साड़ी पहनने वाली हूँ कल। और मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा तीज वाला ब्लॉग है ना, मैं अलग से अपलोड करूँगी, और ये वाला जो ब्लॉग है मैं सुबह ही डाल दूँगी। देखती हूँ अगर थोड़ी बहुत देर में मैंने इनको बोला था आप सो जाओ थोड़ी देर, उसके बाद मेरे एक हाथ पे ना मेहंदी लगा देना, तो ये बोल रहे थे ठीक है मेरे को उठा देना मैं सोता हूँ थोड़ी देर। देखती हूँ अगर उठेंगे तो ठीक है, नहीं तो काम चला लूँगी। कैसे भी तो इस पे तो सारा श्रृंगार है, इसमें क्या दिखाऊँ मैं। अरे क्या है, मैं ठीक करूँ पहले मैं अपना, बहुत थकान हो रही है पता है। तो चलो पहले ना मैं ये कपड़े भी रख दूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं सुबह। मुझे ना मैं 3:30 पे कैसे उठूँगी, सच में यार मैं सच बता रही हूँ मेरी नींद ना पूरी नहीं हो पाती कसम से। सदियों हो गए मेरी नींद पूरी हुई और पता नहीं कब पूरी हो पाएगी, भगवान जाने। तो चलो पहले मैं कपड़े लगा दूँ, उसके बाद मिलते हैं। अभी जस्ट ना देवांश जग गया था, मैंने बोला था ना मैं कपड़े रख दूँ उसके बाद, तो कपड़े अलमारी में रखते रखते ही ना देवांश जग गया था, तो उसको बस मैं अभी सुला के आई हूँ। और इधर मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले चाय भी बनाई थी, तो मैं चाय को गर्म कर लूँ। मेरा ऐसा कोई ब्लॉग नहीं जाता होगा जिस ब्लॉग में आपको चाय का नाम ना सुनने को मिले, क्योंकि मैं चाय की बहुत बड़ी वाली क्या बोलते हैं लवर हूँ मैं। मैं अभी अपनी चाय गर्म कर रही हूँ और चाय लेके मैं बैठूँगी अपनी मेहंदी लगाने। एक हाथ में तो लगाऊंगी और एक हाथ में तो ऐसे क्या बोलते ना चंदा बना लूँगी, चंदा मम्मा। इस वाले हाथ में तो मैं लगा लूँगी अपने आप। और बहुत मन कर रहा है अब मेरा मेहंदी लगाने का, और क्योंकि अब मेरी नींद ना भाग चुकी है, अब मेरी नींद है नहीं। टाइम कितना हो गया, 1:30 बज गया है। उतनी देर से बस मैं इसके आगे की डिज़ाइन सोच रही थी क्या लगाऊं क्या लगाऊं कुछ। अब पता है पहले मैं लगा लेती थी, अब बहुत टाइम से लगाई नहीं है ना, तो ये मैं कल सर धुलूँगी अपना, तब इसको सही कर लूँगी। तो चलो अभी ना मैं पीछे एक बस एक वो क्या बनाते हैं ना गोल सा डिज़ाइन वाला, उसको बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं सोऊँगी। हेलो एवरीवन, सो पता है रात का 2 बज गया है और मेरी आंखें देखो नींद भरी हुई, मेरी आंखों में नींद आ रही है मेरे को। बस इतनी मेहनत के बाद ना बस ये मेहंदी लगी है ये और ये। मैंने ना पता नहीं यार कम से कम 1.5-2 साल हो गया मैंने मेहंदी लगाई नहीं है ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ। 2 बार तो मैं छुटा चुकी, फिर मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैंने सीधा यही रख लिया। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, फिर मैंने कहा छोड़ो अब नहीं रखती। दूसरे हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, उसमें तो मैंने कुछ लगाया नहीं है। ये सुबह ड्यूटी जाएंगे तब इनसे लगवाऊंगी थोड़ी सी ऐसी मेहंदी, और मेरे को अब नींद आ रही है, बस मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो इतनी मेहनत के बाद बस ये लग पाया है सच में। चलो कोई नहीं, नाम तो हो गया, मैंने मेहंदी लगा दी है। चलो फिर सोते हैं, सुबह मिलते हैं।